फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको थ्री मैन इन अ बोट का चैप्टर 9 का समराइज एक्सप्लेनेशन अब बताने जा रहा हूं। एज जॉर्ज ने ज्यादा काम नहीं करा था, हैरिस एंड जे डिसाइड करते हैं कि जॉर्ज को कोई काम से शुरुआत करनी चाहिए। वो उसे नाव खींचने वाली रस्सी देते हैं और वो बोलते हैं कि वो नाव को पुल करे एज ही वॉक्स अलोंग साइड द रिवर। जे अपनी आदत से बाज नहीं आता और एक कहानी सुनाता है कि किस तरह खींचने वाली रस्सी आपस में उलझ जाती है, चाहे आप कितनी भी अच्छे से उन्हें हैंडल करो या सुलझाओ। इन रस्सियों के उलझने की वजह से कितनी बार नाविकों की आपस में लड़ाई हुई होगी। हर कोई दूसरे को ब्लेम करता होगा कि उसके वजह से रस्सियां आपस में उलझी हैं। जे कहानी सुनाता है कैसे एक बार वो दो आदमी को नदी किनारे रस्सी पकड़े देखता है और वो दोनों सरप्राइज होते हैं कि वो दोनों नाव से रस्सियां सुलझाने के लिए बाहर आते हैं और उनकी नाव बिना उनके बह गई होती है पानी में। जे ये भी लिखता है कि कैसे लोग टोइंग के टाइम आपस में बात करने में लग जाते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि बोट स्टीयर करने वाला आदमी कर क्या रहा है। इसी बीच में नाव स्टीयर करने वाला आदमी की टोपी पानी में गिर जाती है या नाव का कुछ टूट जाता है और वो टो करने वाले आदमियों पे चिल्लाता है और रुकने के लिए कहता है। उसकी चिल्लाहट सुनने की बजाय ये लोग आपस में बात करने में ही लगे रहते हैं। फिर जॉर्ज भी एक कहानी सुनाता है कि वो क्या देखता है। जब वो एक बार नदी के किनारे होता है तो दो यंग कपल्स आपस में बात करते हुए रस्सियों को खींच रहे होते हैं, लेकिन बाय सरप्राइज वो रस्सी किसी भी नाव से अटैच नहीं होती। जॉर्ज एक बार को सोचता है कि चिल्ला के उन्हें बताऊं कि रस्सी आपकी किसी भी नाव से अटैच नहीं है, लेकिन फिर वो इस बात का फायदा उठाने का सोचता है और वो क्या करता है, वो अपनी नाव को उनकी रस्सियों से अटैच कर देता है। कुछ देर तक वो कपल्स उसकी नाव को टो कर रहे होते हैं, फिर जब उन्हें पता चलता है तो अपनी इस हरकत पे वो काफी हंसते हैं। जे उन लेजी नाविकों के बारे में भी बताता है जो अपनी बोट को खुद टो नहीं करते, घोड़ों से खिंचवाते हैं, हॉर्स से खिंचवाते हैं। वो इतनी तेजी से हॉर्स जो है मूव करते हैं कि उनके रास्तों से हटने का किसी को टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। जे लड़कियों द्वारा नाव को खींचे जाने या टो करने का भी जिक्र करता है और वो कहता है कि जब वो लड़कियां बोट खींच रही होती है ना तो काफी उनके अंदर उत्सुकता भरी हुई होती है और उसमें क्या होता है कि तीन लड़कियां हमेशा बोट को टो करती हैं, जिसमें दो तो रियल में टो कर रही होती हैं और एक पीछे घूमकर हंसते हुए उनसे बात कर रही होती है और वो बार बार रुक कर बोट में वापस जाते हैं और जो स्टीयर कर रहा होता है उससे पूछते हैं कि वो काम कैसा कर रहे हैं। वो पेंटोन हुक अप्रोच करते हैं और वहां रुकने की सोचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं थोड़ा माइल्स और जाते हैं। जे कहता है ये गलत है क्योंकि लास्ट के कुछ माइल्स हमेशा ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो दोगुना है। इसका मतलब ये है जब वो पेंटोन हुक पहुंचते हैं तो वो वहां पहले रुकने का डिसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा सा आगे और चल लिया जाए। जे कहता है यार ये गलत है कि आप ना और आगे चलने को कह रहे हो, क्योंकि लास्ट में जब भी आप जब डिस्टेंस कवर करते हो ना तो हमेशा वो ज्यादा लगता है क्योंकि आप बहुत बोर हो चुके होते हो, थक चुके होते हो। हे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।